देवभल में डीएम ने नगरपालिका पर छापा मारा है। डीएम की कार्रवाई से नगरपालिका में हड़कंप मच गया। डीएम ने डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के नाम पर बड़ी गड़बड़ियां पकड़ी हैं, जिसमें 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर के आदेश भी दिए गए। गाजियाबाद के कृष्णा नगर में पिछले 3 दिनों से लाइट नहीं आ रही है, इस वजह से लोगों के घरों में पानी की टंकी में पानी भी खत्म हो गया। छोटे मासूम बच्चे गर्मी के मौसम में बेहाल हैं और मोमबत्ती जलाकर पढ़ाई कर रहे हैं। ये हालात तब के हैं जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिया है कि इसके बावजूद भी गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र की ये तस्वीरें आपको विचलित और परेशान करने वाली हैं। गाजियाबाद के बीएसएफ विशाल कावड़ को मेरठ में सम्मानित किया गया। पिछले कई सालों से विशाल कावड़ गाजियाबाद के ग्राम कनावनी से आकाश ठाकुर ला रहे थे। हरिद्वार से गाजियाबाद के ग्राम कनावनी तक विशाल कावड़ महाकाल डीजे के साथ बड़े ही धूमधाम से बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से कावड़ लाते हैं। गाजियाबाद के थाना मुरादनगर क्षेत्र में मंदिर के दानपात्र से चोरी की घटना सामने आई है। चोर ने मंदिर में रखे दानपात्र पर हाथ साफ कर दिया। चोरी का पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। गाजियाबाद सिहानी गेट थाना क्षेत्र के नए बस अड्डे के पास बने शनि मंदिर में स्थापित भगवान शिव के मंदिर से ताम धातु के नाग देवता को चोर लेकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। किच्छा विधायक तिलक राज बेहर ने अपने आवास विकास स्थित कार्यालय में शहीद उधम सिंह जी की पुण्यतिथि पर अपने समस्त साथियों के साथ मिलकर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर नमन किया। सावन महीने में इस कांवड़ मेले में कांवड़ शहीदों के नाम लेकर भी एक शिव भक्त कांवड़िया मुजफ्फरनगर पहुंचा, जो अपने शरीर पर लोहे की बेड़िया पहनकर हरिद्वार की हर की पौड़ी से पैदल चलकर शहीदों के नाम इस कांवड़ को ला रहा है। इस शिव भक्त कांवड़िया ने अपने शरीर पर जहां 267 शहीद फौजियों के नाम गुदवा रखे हैं, तो वहीं इस देशभक्त कांवड़िया ने 51 तिरंगे के पिन भी अपने शरीर पर लगा रखे हैं, जिसके चलते ये शिव भक्त कांवड़िया जहां से गुजरता है वहीं पर इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। जनपद मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर लगातार उच्च अधिकारियों ने कांवड़ मार्ग पर और कांवड़ यात्रा का निरीक्षण कर रहे हैं और साथ ही साथ जनपद के आला अधिकारियों के साथ साथ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कांवड़ यात्रा पर निगाह बनाए हुए हैं, जिससे कि अगर कांवड़ यात्रा में कोई भी अनहोनी होती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। गाजियाबाद में नगर निगम मेयर सुनीता दयाल और नगर आयुक्त विक्रमादित्य मलिक ने हरिद्वार से जल लेकर आ रहे कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा की। इस दौरान कांवड़ियों में काफी उत्साह नजर आया। वहीं मेयर नगर आयुक्त ने नगर निगम द्वारा किए गए धरातल पर कार्यों के बारे में भी विशेष तौर पर बताया। सितारगंज के लौका गांव में स्थित पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले कर्मचारी की रंजिश के चलते मौत के घाट उतार दिया गया। नौकरी से निकालने के बाद आरोपी दोबारा मुर्गी फार्म पहुंचा, जिसके बाद उसने लालता प्रसाद को जान से मार दिया और फरार हो गया। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बरेली में एक व्यापारी से रास्ते में 2 मोटरसाइकिल सवार 4 व्यक्तियों ने 45,000 की लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसका पुलिस ने खुलासा किया। लुटेरों के कब्जे से 44,554 रुपए, 1 स्कूटी, 2 मोटरसाइकिल और 5 मोबाइल बरामद किए। पूछताछ में पता चला इसमें से 2 विद्यार्थी शामिल हैं। इनमें एक को अपने पिता के इलाज के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी, जिसके लिए उनके साथियों ने साथ मिलकर लूट की घटना को अंजाम दिया। ललितपुर में सरकारी चावल की खरीद फरोख्त चरम सीमा पर है। सरकार जहां जरूरतमंदों को चावल देना चाहती है, लेकिन ललितपुर में जरूरतमंदों की जगह बड़े व्यापारियों की दुकान और गोदाम चावल से भरे जा रहे हैं। सरकार चावल की कालाबाजारी के मामले में खाद्यान्न आपूर्ति दुकानों से 24 बोरियों में 13 कुंटल 500 किलो चावल बरामद किया। प्रयागराज के सिविल लाइन में 28 साल पहले झांसी के सपा विधायक जवाहर यादव को दिनदहाड़े AK-47 से हमला किया, जिसमें उसकी मौत हो गई, जिसको लेकर उनकी पत्नी सपा विधायिका ने सदन में कहा, मेरे पति को प्रयागराज में बीते 28 साल पहले मार डालने वाले बीजेपी नेता और उम्र कैद के अपराधी उदयभान कंवरिया को सरकार ने आजाद छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री जी, कल अगर मुझे कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। कानपुर के सजेती थाना क्षेत्र में 2 दिन से लापता मासूम बच्चे का शव बरामद हुआ है। परिवार के चचेरे भाई ने मारकर बच्चे को जमीन में गाड़ दिया। वहीं परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल करी है। वहीं पुलिस डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम की मदद से मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। परिजनों ने चचेरे भाई पर मर्डर कर शव को जमीन में गाड़ने का आरोप लगाया है।